कविता फंसी हुई लड़कियां, कवयित्री रूपम मिश्रा। फंसी हुई लड़कियां, उसके गांव, जवार और मोहल्ले का ये असाध्य और बहुछूत शब्द था। कुछ लड़कियों के तथाकथित प्रेमियों ने अपने जैसे धूर्त दोस्तों में बैठकर बेहयाई से प्रेयसी का नाम लेते हुए कहा, मुझ में फंसी हुई है। उसे नफरत थी इस शब्द से। उसने जहां भी सुना कि वो लड़की किसी से फंसी हुई है, उस लड़की के लिए घृणा से उसका मन भर गया। फंसी हुई लड़कियों को देखकर लगा कि कोई गलीच चीज देख ली हो। फिर एक दिन उसे अप्रत्याशित प्रेम हुआ। अब उसके सर्वांग से फूटती थी एक आदिम महक और आंखें अड़हूल के फूलों की तरह दहकने लगी। प्रेयस ने उसे बताया, प्रेम आत्मा का पवित्रतम रूप है। प्रेयसी को प्रार्थना की सुरीली धुन कहा। वो मगन रही कि वो प्रेयसी है, गर्व रहा कि वह फंसी हुई लड़कियां नहीं, और उन फंसी हुई लड़कियों से और घृणा की। फिर एक दिन उसने सुना कोई कह रहा था उसके प्रेमी का नाम लेकर कि वो तो फला व्यक्ति से फंसी हुई है। अचानक खुद के लिए ये शब्द सुनकर घिन, अपमान, दुख और क्रोध जैसी कितनी संवेदनाओं से कांप गई वह। लगा कि कस्बे के सबसे गंदे नाले में गलती से आ गिरी। फिर थोड़ी देर सोचकर उसने हंसकर कहा, इतनी भी खराब नहीं होती फंसी हुई लड़कियां। प्रेम के अभिजात्य वैभव का सौभाग्य और समाहारक हैं यही फंसी हुई लड़कियां।